जय महाकाल। नमस्कार भक्तों, कैसे महाकाल ने अपने भक्त के लिए काल को भस्म कर दिया था। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। जैसा कि आज सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष प्रकार की पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें तो सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास ही हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना देता है। और यही वजह है कि अपने भक्त के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस कथा को सुनने और पढ़ने से भगवान भोलेनाथ के भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा स्वयं कार्तिकेय जी ने सुनाई है। भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की इस कहानी की मैं बात कर रही हूँ, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक राजा थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन पोषण किया करते थे और अगाध आस्था और श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु, महामारी आदि किसी भी प्रकार की परेशानी से अछूते थे। उसके राज्य में इस प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं आती थी। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने वाला था और वह भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वो जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर कर ले आएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुँचे तो राजा श्वेतकेतु शिव मंदिर में थे। दूत बाहर खड़े हो गए। श्वेतकेतु बहुत गहरे ध्यान में थे, वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और ना ही यह दूत वहाँ से हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलम्ब होते देखा तो कालदंड संभाला और खुद चल पड़े राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने के लिए। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण लेने पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि राजा श्वेतकेतु तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वे सोच में पड़ गए कि इनके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है और इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। और भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें बहुत चिंता हुई कि यह कौन है, ये सब क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये राख किसकी है और इसने
ऐसा क्या किया है, इसे क्यों भस्म किया गया है। तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा, हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है और इसी के बह से तो लोग पूर्ण कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दें। शिव जी की कृपा से काल जी उठा। भगवान भोलेनाथ ने उसने प्राण दान दिए और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, तुम जैसा राजा तीनों लोकों में कोई नहीं है, तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिवजी के परम भक्त हैं और सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर महाकाल में ही विलीन हो गए। इस तरह से महाकाल के प्रति जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति भावना में लीन रहता है, महाकाल उसकी रक्षा स्वयं करते हैं और उसके लिए मृत्यु से भी लड़ जाते हैं। ऐसे हैं महादेव भोलेनाथ। बोलिए महाकाल की जय। यदि आपको मेरे ये वीडियोज, ये आध्यात्मिक कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली समस्त वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।